सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोरे लगा के सबको हरवाया। जब जाली मोरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा, इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा, क्यों प्रेशर था, किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है, ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है, मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं, सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं। लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूं। बात है, जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहां पर थे।